कैसे हो मेरे भाइयों, मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा को ग्लोबली अनवील कर दिया है और सभी लोग इसके टॉप मॉडल की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बेस मॉडल के अंदर कौन कौन से फीचर्स मारुति सुजुकी ऑफर करने वाला है, इसकी बात अभी तक किसी ने नहीं की। तो आज की इस वीडियो में ना आपको मैं बताने वाला हूँ कि बेस मॉडल जो कि सिग्मा के नाम से आएगा, इस मॉडल के अंदर ग्रैंड विटारा कौन कौन से फीचर्स ऑफर करने वाला है। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ग्रैंड विटारा के अंदर जो बेस मॉडल आएगा सिग्मा, उसके अंदर फीचर्स की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। काफ़ी प्रीमियम फीचर्स जो हैं वो आपको बेस मॉडल से ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर प्रोफाइल की। तो भाई, सामने से जब आप इसके बेस मॉडल को देखेंगे ना, तो टॉप मॉडल की तरह ही आपको यहाँ पर LED DRLs मिलेंगे। साथ ही साथ फ्रंट और रियर जो स्किड प्लेट है वो भी सिल्वर कलर के साथ टॉप मॉडल वाली ही देखने को मिल जाएगी। हालांकि जिसके अंदर हेडलैम्प मिलते हैं, जैसे कि टॉप मॉडल में आपने देखा वहां पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए जा रहे हैं, लेकिन बेस मॉडल के अंदर आपको प्रोजेक्टर मिलेगा लेकिन उसके अंदर जो बल्ब होगा वो हैलोजन टाइप का दिया जाएगा। साइड प्रोफाइल में आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसके व्हील्स हैं वो टॉप मॉडल की तरह ही 17 इंच के प्रोफाइल के साथ दिए जाएंगे। हालांकि वहां पर एलॉय व्हील्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्टील लिम्स मिलेगा जो कि 17 इंच के प्रोफाइल के साथ होगा विद व्हील कवर्स। एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि जिसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स होंगे वो बेस मॉडल से ही आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल फीचर के साथ देखने को मिलेंगे। यहां तक कि जो टर्न इंडिकेटर वाला पोर्शन है वो भी आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, फीचर की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। आप जब इस कार के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो टॉप मॉडल की तरह जो इसके रियर टेल लैंप्स हैं LED वाले, वही टेल लैंप्स आपको बेस मॉडल से ही देखने को मिल जाएंगे। यहां तक के शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना और रूफ एंड स्पॉइलर आपको जो टॉप मॉडल में मिलता है, सेम वही आपको बेस मॉडल के अंदर भी दिया जाएगा। हालांकि रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर जैसे फीचर्स क्योंकि बेस मॉडल है तो कहीं ना कहीं इनको आप मिसिंग जरूर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू बेस मॉडल, ग्रैंड विटारा का जो बेस मॉडल है वो सच में ग्रैंड है और कई सारे बेहतरीन फीचर्स ऑफर करता है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की, और यहाँ पर भी कई सारे ऐसे फीचर्स ऑफर किए गए हैं जो कि जनरली बेस मॉडल के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। तो भाई, फीचर्स से ही अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट, स्मार्ट की विद इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, 60:40 स्प्लिट डाउन रियर सीट, यहां तक कि इस सीट को आप जो है ना वन वे में डिक्लाइन भी कर पाएंगे पीछे, जैसे कि आपको सेल्टोस में ऑफर मिल जाता है। चारों पावर विंडो मिलेगी आपको और जो ड्राइवर साइड वाली विंडो होगी वो ऑटो अप और डाउन के फीचर के साथ दी जाएगी। फ्रंट में यानी कि ड्राइवर साइड आपको आर्मरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको रियर सीट के अंदर भी आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स के साथ ऑफर किया जाएगा। यहां तक कि जो डोर आर्मरेस्ट वाले पोर्शन होंगे उसके ऊपर भी आपको ब्लैक फैब्रिक का इंसर्ट देखने को मिल जाता है। भाइयों, इस वेरिएंट के अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम यानी कि म्यूजिक सिस्टम तो ऑफर नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो स्टेयरिंग व्हील होगा इसको आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही वे में एडजस्ट कर पाएंगे। ग्रैंड विटारा के टॉप मॉडल के अंदर आपको 7 इंच की स्क्रीन के साथ TFT कलर टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, लेकिन अगर आप बेस मॉडल आते हैं तो यहां पर आपको 4.2 इंच की स्क्रीन के साथ TFT कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। यही नहीं दोस्तों, आपको इनसाइड डोर हैंडल क्रोम प्लेटेड मिलता है, साथ ही साथ को ड्राइवर साइड सनवाइजर में वैनिटी मिरर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों, सेफ्टी फीचर्स के अंदर भी बेस मॉडल कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नजर नहीं आता। बेस मॉडल के अंदर भी आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल असिस्ट, आइसोफिक चाइल्ड सीट, अपना सीट बेल्ट रिमाइंडर, प्रीटेशनर, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे जो भी बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं वो सारे कुछ देखने को मिल जाते हैं। इंजन के मामले में एक बात याद रखिएगा, बेस मॉडल के अंदर आपको सिर्फ 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड वाला जो पेट्रोल इंजन है जो कि आपको ब्रेजा के अंदर भी ऑफर किया जाता है, वही सेम इंजन देखने को मिलने वाला है जो कि 103 PS की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, एक बात और नोट कर लीजिए माइलेज को लेकर के, क्योंकि कंपनी भी अपना जो माइलेज का प्रचार कर रही है वो बता रही है कि 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो आपको ग्रैंड विटारा ऑफर करने वाली है, लेकिन इसमें जो है वो आ रहा है माइल्ड हाइब्रिड इंजन जिसकी क्लेम फ्यूल इफिशियंसी होने वाली है 21.11 किलोमीटर पर लीटर। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाला इंजन लेते हैं जो कि इस वेरिएंट में नहीं मिलता है तो ही आपको 28 की माइलेज मिलती है, अदरवाइज अगर आप इसमें जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो माइलेज मिलेगी वो 21 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। बाकी कलर ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको सिर्फ बेस मॉडल के अंदर 4 कलर के ही ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप चूज कर पाएंगे ब्लू, व्हाइट, सिल्वर और ग्रे। इसके अलावा कोई भी डुअल टोन का कलर आपको नहीं मिलेगा और ना ही रेड वगैरह जो कलर आए हैं उनको आप चूज कर पाएंगे।
इसके आगे ये भी बताना चाहूंगा कि जो बेस मॉडल सिग्मा होगा वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा, ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक के लिए आपके वो डेल्टा पे जाना पड़ेगा, जिसका वीडियो इसके बाद में बना करके अपलोड करूंगा कि उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।